नेटफ्लिक्स पर आज एक मूवी रिलीज हुई सेक्टर 36। आइए जानते हैं कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या फिर नहीं। मूवी में लीड रोल में है विक्रांत मैसी और दीपक डोबरियाल। पहले जानते हैं दोस्तों इस मूवी की कहानी के क्या कहानी रहने वाली है। विक्रांत मैसी ने दोस्तों इस मूवी में एक साइको का रोल निभाया है। विक्रांत मैसी आपको मूवी में झुग्गी झोपड़ियों से बच्चे किडनैप करते दिखेंगे और उनका मर्डर करते दिखेंगे। इसी की जांच पड़ताल करेंगे दोस्तों दीपक डोबरियाल, जो कि है मूवी में इंस्पेक्टर। शुरुआत में तो जो इंस्पेक्टर साहब है इन्होंने इस केस पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन ट्विस्ट तब आया जब इंस्पेक्टर की बेटी ही किडनैप हो गई। इंस्पेक्टर साहब जी जान से लग गए इस केस के पीछे, लेकिन एक ट्विस्ट और आ गया जब ये मामला एक हाई प्रोफाइल केस से जुड़ गया। अब हाई प्रोफाइल केस से ही मामला जुड़ने के बाद इंस्पेक्टर साहब कैसे इसकी जांच पड़ताल करेंगे और एक कैसे ये केस सॉल्व होगा, बस इसी के ऊपर ये मूवी बनी है। ज्यादा बता दिया तो स्पॉइलर हो जाएगा। बात करें एक्टिंग की तो विक्रांत मैसी की या फिर आपके लोग जितने भी इसमें एक्टर्स हैं उन सबकी एक्टिंग एक नंबर है। विक्रांत मैसी ने और दोस्तों दीपक डोबरियाल ने इसमें सीरियस रोल निभाया है और उन्होंने ये रोल एक नंबर और बहुत ही लाजवाब निभाया है। उनके चेहरे पे दोस्तों वो सीरियसनेस दिख रही है, उनके बात करने के लहजे में, उनके एक एक एक्शन में सीरियसनेस नजर आती है। तो कह सकते हैं कि हाँ एक्टिंग में तो कोई भी खोट नहीं है। बात करें डायरेक्शन की तो डायरेक्शन भी एक नंबर है, आपको डायरेक्शन एंड तक बांध के रखेगा स्क्रीन से। स्टोरी दोस्तों इसकी कहीं कहीं आपको बोर कर सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत ही करेगी, कोई पूरी बोरिंग स्टोरी नहीं है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्टोरी बोर जरूर करेगी। बात करें म्यूजिक की तो गाने बहुत अच्छे हैं दोस्तों मूवी में, सीन्स पर भी वो गाने सूट करते हैं। और हाँ, जिस समय पे वो गाने आए हैं ऐसा लगता है कि चलो हाँ जरूरत थी गाने की, कोई जबरदस्ती से गाने नहीं डाले। बात करें इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की तो बैकग्राउंड म्यूजिक इसका एवरेज है। अब एंड में बात करते हैं कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों अगर आप क्राइम थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते हैं, आपको एक्शन मूवीज पसंद है, आपको ऐसी मूवीज पसंद है जो सच्ची घटना पर आधारित हो, तो ये मूवी आप ही के लिए है। आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। मेरी तरफ से इस मूवी को मिलेंगे 5 में से 3.5 स्टार ऐसे ही रिव्यूज के लिए दोस्तों, कम समय में रिव्यूज के लिए। आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसी वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।